मैं अनिल है ना नितिन नितिन है हमेशा बोल जाता हूँ नाम नितिन है नितिन पहली बार आया है और नितिन ने जिस तरह से अभी अपना डिस्क्रिप्शन दिया है बीमारी का वो तुम एक बार व्यूअर्स को भी बता दो फिर मैं आगे बताऊँगा एक्चुअली आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन माई लोअर बैक लोअर बैक से पेन होते हुए मेरा हिप बोन एंड दिन काफ तक जाता है और बहुत एक्यूट पेन है भी स्टार्टिंग फेज में तो दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग सिंस अराउंड थ्री टू फोर डेज़ बैक तो हमने बहुत सारी बातें की और मुझे लगा कि जैसे बाकी नॉर्मल बैक केक वाले लोग आते हैं वैसा ही होगा और वैसा नहीं था जैसे कि मैंने तुझे डिस्क्राइब किया जैसे ही हमने इसका फुट असमेंट किया तो सीवियर प्रोनेशन निकला सीवियर प्रोनेशन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोनेशन का मतलब होता है जब आपका एडी अंदर की तरफ झुकता है जब कम झुकता है तो उसको ओवर बोलते हैं जब ज़्यादा झुकता है तो उसको, उसको सीवियर बोलते हैं तो कुदरतन नितिन हाई आज था तभी हाई आज था और सीवियर प्रोनेशन था यानी कि इसके एंकल बहुत ज्यादा अंदर की तरफ झुक रहे थे आप उस चीज से एग्री करते हो एग्जैक्टली और टांगे इस तरह से वी बना रही थी बहुत ज्यादा तो जब ऐसा होता है तभी सारा प्रेशर बैक पे आता है और हम क्योंकि अनइवन रितिन जैसे मुझे भी दिखें तो हम बहुत कम होता है कि हम दोनों पाँव बराबर लेके खड़े होते हैं हम जनरली एक पाँव आगे लेके एक पाँव पीछे लेके खड़े होते हैं जो पाँव आगे होता है उस पर ज़्यादा वेट आता है तो वो ज़्यादा सफ़र करता है नितिन के साथ भी यही हो रहा है नितिन को लग रहा था उसकी लैक ऑफ एक्टिविटी उसकी एक्सरसाइज उसकी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से बट हमने असेसमेंट करके देखा इसकी प्रॉब्लम ही सारे ही इसके पाँव से है उसी की वजह से उसकी बैक डिस्टर्ब हो रही है और ऑफ कोर्स मैं एडजस्टमेंट भी करूँगा अब होता क्या है कि नितिन जैसे लड़की है जब आते हैं या yeah. आप सोशल मीडिया देख के आए हो नहीं सर जो मैं एक्चुअली गूगल में सर्च किया था अच्छा हाँ मेरे को लगा कि विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास में तो सोशल मीडिया से आई आई एम ट्राइंग टू फाइंड बेटर देन कॉल्ड यू यस्टरडे तो हम यहाँ पे ये यह वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं कि अगर आप हमारी ये वीडियो देखें कभी हमारे पास आने से पहले तो प्लीज़ एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई ना कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली हमारी देख के आएँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा सेट रहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं आ, बहुत सारे लोग लड़के आजकल तो बहुत होशियार है समझ के भी आते हैं मुझे भी बताते हैं कि सर हमें यह करवाना है क्योंकि हमें ये दिक्कत है बट अगर कोई नितिन जैसा यंगस्टर आ रहा है जिसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ा सा हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट दो तरह से हो जाता है इसको ट्रीट करने का एक ट्रीटमेंट जो उसको आज के लिए जरूरी है यानी कि अगले पंद्रह दिन बीस दिन महीने भर में जो ज़रूरत है अब ये उसके बाद तो मेरे पास आएगा नहीं है ना तो एक ट्रीटमेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट यहाँ पे ये इसकी प्रॉब्लम बढ़े ना और जो घट सकती है वो भी घट जाए तो जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है वो तो हम थेरेपी से कर लेंगे जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसके लिए इसको इंसौल पे स्पेंड करना पड़ेगा इंसौल हम यहीं पे 10 मिनट में बना के देते हैं 15 मिनट में बना के देते हैं और रीमोल्डेबल होती है और तीन चार महीने में हम इसको इम्प्रूवमेंट भी दिखाते हैं सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें कॉस्ट करती हैं पैसे लगते हैं और हर किसी के लिए जब तक कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि यंग एज में अगर ये कमाता भी होगा तो कितना कमाएगा अगर ये अपनी मंथ की सैलरी यहाँ पर खर्च कर देगा तो इसके लिए कुछ नहीं बचेगा राइट सो वी अंडरस्टैंड दैट लेकिन हमारे चार्जेस सबके लिए सेम होते हैं जो हम पैकेज पर डिस्काउंट दे सकते हैं जो सबको देते हैं इसको भी देंगे थोड़ा बहुत जो उसकी हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे लेकिन एज ए पेशेंट आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ताकि प्रॉब्लम में ना बढ़े आप छोटे छोटे चीज़ों पर आप दवाइयों पर या सस्ते ट्रीटमेंट पर जाके आप अपनी बीमारी को बढ़ा लेंगे अल्टीमेटली करना आपको यही पड़ेगा और कई बार चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाते आप उस प्रॉब्लम से है ना ऑली ठीक मैं ज़रा सीधा पहले सीधा लेंगे, ले नहीं सर इधर रखो अब मैं इसको यहाँ से दिखाना चाहूँगा अगर कोई एंगल यहाँ से ले लेंगे तो कि प्रोनेशन क्या होता है सर नीचे रखो इस तरह से लॉन्ग एक्सेस में लेंगे तभी समझा पाएंगे दोनों पाँव मोड़ो दोनों घुटने मोड़ो और ऊपर उठा लो ऊपर उठा लो ऊपर उठा लो पाओ को दूर करो आप देख सकते हैं कि ये पाओ कर्वेचर घूम रहा है ये एंगल्स अगर आप इस सामने से देख रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं कि कितना मुड़ा हुआ है है ना तो ये है इसके नॉन वेट बेयरिंग एंगल जब ये खड़ा रहता है तो ये एंगल और ज्यादा बढ़ जाते हैं राइट और बैक में कहां पे है उल्टा लेटेंगे बैक यहां पे हाँ अब मैं शर्ट को थोड़ा ऊपर कर लो ये yes, पेंट भी नीचे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है डोंट वरी तो अगर हम इसकी जगह की बात कर रहे हो यही पॉइंट है हुँ. अच्छा तो अब अगर मैं स्केल रखूं या कोई सरफेस रखूं तो ये लेफ्ट की साइड ज्यादा बेंड कर रहा है है ना इसका मतलब सारा वेट इसका राइट साइड में ही आ रहा है और जब मैं दो एस आई एस जॉइंट पे फील कर रहा हूँ तो राइट एस आई एस जॉइंट उठा हुआ है यानी पीछे की तरफ है ज्यादातर लोग जब बात करते हैं एंटीरियर टिल्ट तो एंटीरियर टिल्ट नहीं है ये आगे नहीं गया बट एग्जामिनेशन में ये आगे नजर आ रहा है कि आगे की तरफ गया है बट एक्चुअली में ये पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर टिल्ट भी एक चीज होती है है ना तो ये नजर आ रहा है कि ये राइट साइड पीछे की तरफ टिल्टेड है जैसे ही हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे ये अपनी नेचुरल न्यूट्रल पोजिशन पे आ जाएगी और यही सेम चीज इसके ऊपर तक इसको स्ट्रेस कंटिन्यूसली देती होगी मैं पहले इसका आ, इस साइड का एडजस्टमेंट करूंगा टर्न करेंगे तरफ, हाँ इसको मोड़ो पहले इसको मोड़ो सर नीचे मोड़ लेंगे रिलैक्स विद आउट करेंगे एक और फीचर है जब भी आपके पाँव प्रोनेशन में जा रहे होते हैं ये पाँव इसके मोटे होने लग गए है।, है ना अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो उसके एंकल इसकी काफ और चौड़ी होती चली जाएगी जीन्स यहाँ से घुस जाती होगी यहाँ से घुसने में टाइट होती होगी थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना क्योंकि ये पाँव अब फैलना चालू हो रहे हैं जैसे एंकल फैल रहा है काफ और ऊपर के साइज भी फैलते जा रहे हैं ईजी ब्रीद आउट लंबी सांस लेंगे छोड़ दो उल्टा ले जाओ एक बार और देखते हैं कि क्या ये वापस आया? यस, yes. अब जो इसका डिक्लाइन था वो जो टिल जिसको बोल रहे थे या पीछे की तरफ उठा हुआ था तो 90 परसेंट तो अपने लेवल पे आ गया है अब उधर फेस करेंगे चाहिए वाला सीधा मॉर्निंग है हेड डाउन रिलैक्स सीधा इस तरफ ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी सीधा सीधा लेटो सीधा हाँ हम्म ऊपर जाओ अब मैं इसके एंकल भी करता हूँ डर तो नहीं लग रहा नहीं नहीं लग रहा है तो बोल दो नहीं नहीं नॉर्मल है पसीने आ रहे हैं तेरे <laughs> नहीं नहीं गर्मी की वजह से गर्मी लग रही है भाई इसको अक्टूबर एंड में <laughs> इजी छोड़ो रिलैक्स इजी छोड़ो आ जाओ बैठो कैसा एक्सपीरियंस है तो काफी रिलीफ है इस ये <laughs> आदमी जैसे बोलता ना कि काफी रिलीफ है तो हम मतलब अभी थोड़ी देर बैठा हुआ मेरे को फील हो रहा था कि पेन है मेरे कंटिन्यूस अभी जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइट है एकदम जा चुका है फील नहीं हो रहा होता ओके तो ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस जो भी दस मिनट की वीडियो में ये जिन लाइव वीडियो है हमारी वीडियोस अनएडिटेड रहती हैं yeah. जो कुछ भी है हम दिखा देते हैं अब इसका कपिंग और नीडलिंग होगा और इसको फिर बताएंगे इसका खर्चा पानी क्या है ठीक है सो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग अस आपको कोई भी क्वेरीज हो नितिन जैसी हो नितिन जैसी नहीं हो और अगर यही सोचो कि अगर ये नितिन किसी भी और के पास जाता इसके आर्चिस के स्टडी किए बगैर इसकी टांगों के शेप की किए बगैर यह श्याटिका का मरीज़ बन जाता श्याटिका सुने नहीं फर्स्ट टाइम अच्छा चलो शुक्र है फर्स्ट टाइम <laughs> श्याटिका व्यूअर्स तो जानते ही होंगे श्याटिका क्या होता है टांग का दर्द और टांग का दर्द श्याटिका नर्व का होता है लेकिन इसके केस में ये ज़रूर बोल देते कि क्या है श्याटिका है और ये दो तीन महीने दवाइयाँ खाता पाँच सात किलो वजन बढ़ाता और फिर हमारे पास आता सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस चैनल को लाइक करें शेयर करें आपके लिए भी सब्सक्राइब करें इतनी वीडियोज दवा होंगी इतने पेशेंट देखे होंगे हर पेशेंट के साथ अलग वीडियो है बट उतने लोग भी नहीं देखते हमारी वीडियो सो थैंक्स फॉर अस डू मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू